पूछते हैं कि ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय की बात है, ये कहाँ पर फिट होती है इस मिथ्या के रियलाइजेशन में, उसके अनुभव में? और वो क्या है जो जागा रहता है हमेशा? देखिए, जो फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज ऑलवेज देयर, हमेशा है वो। वो हमारे जागते हुए में भी है, सोते हुए में भी। सुषुप्ति यानी कि जो गहन निद्रा की अवस्था, जहाँ पर हमारा स्वप्न का जगत भी खो जाता है, वहाँ भी वो है। इसीलिए लौट कर हम सब ये जान पाते हैं कि सुषुप्ति भी घटी। अगर वो ना होती तो जानने का कोई उपाय भी नहीं होता कि हम सुषुप्ति में भी थे। तो जो फोर्थ स्टेट कहते हैं, तुरी का मतलब होता है द फोर्थ स्टेट या ट्रांसेंडेंटल स्टेट। ट्रांसेंडेंटल एक सेटल नोइंग है, या कहें कि वो एक सेटल अवेयरनेस, यानी एक सूक्ष्म सचेतनता है। वो सचेतनता ये है कि कुछ है जो हमेशा कायम था, यानी कि जो सेंस ऑफ आई एमनेस था, मैं हूँ का जो भाव था, जिसमें मैं हट गया था, यानी कि मैं तो एक आइडेंटिफिकेशन था इस बॉडी माइंड से, लेकिन होने का भाव जो था वो कांस्टेंट बना हुआ था। उसी पृष्ठभूमि पर सपना भी खड़ा हुआ, उसी पृष्ठभूमि पर जागरण भी खड़ा हुआ, और उसी पृष्ठभूमि पर सुषुप्ति भी खड़ी हुई। वो होने का भाव, वो फोर्थ स्टेट है। उसका अनुभव यानी कि उसका रियलाइजेशन तुरीय बन जाता है, इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन जब कृष्ण कह देते हैं कि वो जागा रहता है नींद में भी, तो कई योगी इस चक्कर में पड़ गए कि भाई नींद में कैसे जागे रहे, तो सोना भी जरूरी लगता था और उनको लगता था जागना भी है। तो हमने तो एक बाबा के बारे में सुना था, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया अपने भक्तों के, भाई बाबा जी नहीं सोते, और अपने बाथरूम में बेड लगवा लिया। और भक्तों में ये प्रचार हो गया कि बाबा जी 4-5 घंटे स्नान करते हैं, साधना है उनकी। बाबा तो बाबा है, 5-6 घंटे नहा सकते हैं, 8-10 घंटे नहा सकते हैं। तो उनके बाथरूम में बेड लगा था, 5-6 घंटे नहाते थे, किसी से मिलते नहीं थे, और डिक्लेयर था कि वो सोते नहीं, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि योगी कभी सोता नहीं, वो तो जागा रहता है। सोए हुए तो सब लोग मिलते हैं, बुद्ध भी सोते थे, उनकी तो सोने की मुद्रा ही प्रसिद्ध है कि अपने एक हाथ को सिर के नीचे रख के वो विश्राम में नींद में चले जाते थे। तो सोना तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हर शरीर मन में घटता है। तो यहाँ पर जो अवेकनिंग की बात है, निश्चित रूप से वो बायोलॉजिकल अवेकनिंग या बायोलॉजिकल स्लीप की बात नहीं हो रही होगी। ये इस स्मरण की बात है कि कुछ है जो हर जगह एक ही तरह से फ्लो कर रहा है, वही कॉन्शियसनेस का फ्लो है। आम व्यक्ति जागरण तो जागरण में उलझ जाता है, स्वप्न तो स्वप्न में उलझ जाता है, सुषुप्ति तो सुषुप्ति का तो खैर उसको पता ही नहीं होता। लेकिन जो सबके पीछे वो चेतना का प्रवाह चल रहा है, यानी जो सोर्स है, उससे वो हमेशा डिटैच रहता है। डिटैच तो खैर कभी नहीं, टेक्निकली तो नोबडी इज डिटैच, लेकिन उसको उसका एहसास नहीं होता, उसको पता नहीं चलता, यही उसकी पीड़ा है। और जो अवेकनिंग की तरफ जा रहा है या जो अवेकंड वन है, उसमें बस इतना अंतर है, वो ऑल द टाइम सोर्स से कनेक्टेड होने की रिमेम्बरेंस से भरा, यानी कि स्रोत से जुड़े होने की स्मृति से, स्मरण से भरा हुआ है। तो जिसको अपने स्रोत से लगातार जुड़े हुए होने का स्मरण है, वो हमेशा जागा हुआ है। और बायोलॉजिकल स्लीप घटेगी तब वो सोएगा, बायोलॉजिकल अवेकनिंग घटेगी वो जागेगा, वो सब साइकिल वैसे ही चलेगा। लेकिन वो हमेशा जानता है कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं रहा जब स्रोत से उसका जुड़ा हुआ होना नहीं था, और यही चीज़ उसके लिए परम शांति लाने वाली है। यही बात है, बिल्कुल।